जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। थंबनेल में आपने ये शिव जी की बड़ी सी प्रतिमा तो आपने देखी होगी, और ये जो आपको शिव प्रतिमा है, आज की वीडियो पे मैं आपको यही बताऊंगा कि ये भोलेनाथ के दर्शन कैसे करना है। साथ ही साथ ये जो चार धाम यहाँ पे और भी मंदिर हैं, इनके भी आपको कैसे दर्शन करना है, हर एक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मैं आपको दूंगा। अब चलिए बात करते हैं कि ये जो भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा है, ये लोकेशन कौन सा है। तो दोस्तों, ये लोकेशन आपका पड़ता है नामची चारधाम, जो कि ये आपका सिक्किम के राज्य के अंतर्गत एक नामची आता है। उसी नामची चारधाम की हम बात करने जा रहे हैं, जहाँ पे चारों धाम का यहाँ पे मंदिर है, साई मंदिर है, और भोलेनाथ की ये विशाल प्रतिमा के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आज आपको मैं लाइव वीडियो आकर ये सभी चीज़ें दिखाऊंगा। हालांकि ये जो नामची चारधाम है, ये आपके सिक्किम से जब हम गैंगटॉक घूमने जाते हैं, तो जो गैंगटॉक घूमने जाते हैं उसी के साथ ये अटैच कर लेते हैं इस वाली जर्नी को, यानी कि नामची को, क्योंकि नामची चारधाम आपका वन डे की ट्रिप होती है। लेकिन नामची इतना खूबसूरत है कि शायद आपका नॉर्थ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम भी इस नामची चारधाम को टक्कर देगा। तो दोस्तों, गैंगटॉक के साथ नामची भी आप घूम सकते हैं, साथ ही साथ कुछ टूरिस्ट जो होते हैं वो दार्जिलिंग के साथ नामची को ऐड करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं हर एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, और यदि आप इस टूर को बुक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिल रहा होगा आपको, वहां जाके आप बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पॉपअप में भी नंबर दिख रहा होगा, यहाँ आके आप अपने टूर की बुकिंग करवा सकते हैं और नामची चारधाम या गैंगटॉक अपना शहर घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक मैप की तरफ लेके चलता हूँ, और मैप के जरिए से आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपको कौन कौन से स्थान को कैसे एक्सप्लोर करना है, और आप कैसे नामची चारधाम को एक बेहतरीन तरीके से घूम सकते हैं और अपने पैकेज की बुकिंग कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा सिक्किम राज्य का एक कंप्लीट मैप। सिक्किम बेसिकली दोस्तों चार हिस्से में बटा हुआ है। पहले अगर मैं बात करूं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि नॉर्थ सिक्किम जिसको बोला जाता है, इस नॉर्थ सिक्किम में दोस्तों आपका लाचेन, लाचुंग, गुरुडोंगमार, जीरो पॉइंट, काला पत्थर, ये सारी चीजें जो है ये आपके नॉर्थ सिक्किम में पड़ती है। दूसरा आता है दोस्तों आपका ईस्ट सिक्किम, जहां पे आपका नाथुला पास, बाबा मंदिर, चंगुलेख, ये सारी चीजें आपकी पड़ती है ईस्ट सिक्किम में। तो गैंगटॉक से जो सारे टूरिस्ट जाते हैं वो ईस्ट सिक्किम में जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों साउथ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यहाँ पे आपको दो स्थान पड़ते हैं। एक आपका नामची चारधाम, जो कि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको नामची कैसे घूमना है, और वीडियो में मैं पूरा लाइव आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और स्पॉट है जिसको बोला जाता है रावंगला, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और एक लास्ट आपका डिस्ट्रिक्ट बचता है, यानी कि लास्ट हिस्सा बचता है, वो है आपका वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, इस वेस्ट सिक्किम में आपका पड़ता है पिलिंग का स्काई वॉक, बुद्धा का एक बड़ा सा स्टैचू, काचेबेड़ी लेक, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी मैं आज इस सीरीज में आपको मैं पिलिंग के भी साइड सीनिंग आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा। तो ये जो सीरीज चलेगा इसमें आप बने रहिएगा, और यदि आप अपने पैकेज की बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहां जाके आप अपने पैकेज की बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सारी चीजें तो बात कर ली, लेकिन हमको सिक्किम की राजधानी यानी कि गैंगटॉक नहीं मिला। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पड़ता है गैंगटॉक सिटी, जहां से हम सारी यात्रा को शुरुआत करते हैं और यहीं पे लाके अंत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं आपको साउथ सिक्किम यानी कि नामची कैसे पहुंचना है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप चाहे गैंगटॉक जाइए, चाहे साउथ सिक्किम जाइए, ईस्ट सिक्किम जाइए, कहीं भी जाइए, या आप दार्जिलिंग जाइए जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो आप कहीं भी जाइए दोस्तों, आपको सबसे पहले आना पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी के रेलवे स्टेशन, अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो। दोस्तों, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंच के आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से ही सारी जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि ये आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होता है आपके सारे सिक्किम घूमने के लिए, चाहे आप गैंगटॉक घूमने के लिए जाएं तो। और वही अगर आप प्लेन से आते हैं, यानी कि फ्लाइट से आना चाहते हैं, तो आपका एक और स्थान है, वो है आपका बागडोगरा। बागडोगरा में आपका यहाँ पे एयरपोर्ट मिलेगा, तो आप बागडोगरा में उतर के आप अपनी यात्रा प्रस्थान कर सकते हैं। तो दोस्तों, न्यू जलपाईगुड़ी उतर जाइए। कुछ ट्रेनें दोस्तों आपकी सिलीगुड़ी में भी स्टॉपेज होता है, जो कि जनरली बिहार वाली ट्रेनें होती हैं, वो सिलीगुड़ी स्टॉपेज होता है। तो न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी 7 किलोमीटर पे है, तो सिलीगुड़ी से भी आप गैंगटॉक जा सकते हैं, पिलिंग जा सकते हैं, दार्जिलिंग जा सकते हैं, और साथ ही साथ नामची भी जा सकते हैं। दोस्तों, हमने जिससे पैकेज लिया हुआ था, हमारी यात्रा शुरू होती है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से। वहां से हमने टैक्सी लिया, टैक्सी में बैठ के हम अपनी यात्रा को कमेंसमेंट किए अपने नामची के लिए। हालांकि दोस्तों, हम गैंगटॉक भी जा सकते थे, लेकिन हम गैंगटॉक बाद में जाते, इसलिए हमने पहले नामची को कवर किया। यहाँ से आपको वैगनर गाड़ी, जाइलो गाड़ी, इनोवा गाड़ी, और सबसे ज़्यादा चलने वाली सुमो बुलेरो गाड़ी है, वो यहाँ चलती है। दोस्तों, यहाँ से दो रूट देख रहे हैं, एक जो राइट रोड पे जा रही है, ये राइट वाला रूट आपका दोस्तों चला जाता है गैंगटॉक, और ये आप लेफ्ट वाले रूट को पकड़ेंगे तो ये आप पहुंच जाएंगे नामची चारधाम, जो कि साउथ सिक्किम आप कह सकते हैं, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, ये रूट इतना खूबसूरत है कि आपको जगह जगह पे यहाँ के जो बगल में तिस्ता नदी का बहाव, और यहाँ पे एक साइन बोर्ड आपको वेलकम टू साउथ सिक्किम का मिलेगा, और यहाँ का टी गार्डन भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो जर्नी है इतनी शानदार है
कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि न्यू जलपाईगुड़ी से आप साउथ सिक्किम कितने देर में पहुंच गए। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं दोस्तों, तो जो नामची आपका डिस्टेंस पड़ता है वो अप्रॉक्सीमेटली न्यू जलपाईगुड़ी से 90-100 किलोमीटर पड़ता है। वही अगर आप गैंगटॉक से अगर आप नामची जाते हैं तो मान के चलिए कि आपका 80-90 किलोमीटर तकरीबन पड़ जाता है। ये जो रूट है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार रूट है। एक रूट आपका सिंगतम से भी कटता है, लेकिन हमने सिंगतम वाला रूट इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि वहाँ पे थोड़े रोड खराब हैं। हमने ये रंगपू से जस्ट 1-2 किलोमीटर आगे आपको ये रोड कटता है नामची के लिए, ये वाला रूट पकड़ के हमने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ गैंगटॉक से साउथ सिक्किम की तरफ, और मेरे सामने इधर देख सकते हैं यहाँ पे तिस्ता नदी का बहाव है, और यहाँ की ऊपर की ब्यूटी देखिए, जो माउंटेन व्यू है कितना शानदार है। यानी कि साउथ सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम की तो बात अलग है, वो तो है ही खूबसूरत, लेकिन साउथ सिक्किम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी जैसे मैं यहाँ पे जाना स्टार्ट किया तो मैंने अपनी कार रोक के थोड़ा सा यहाँ के नज़ारे देखे, और अभी तो मैं पहुँचने वाला हूँ, 50 किलोमीटर है अभी। मैं यहाँ पे गिजिंग पार करके मैं पिलिंग पहुँचूँगा, नामची, चारधाम, रावंगला, सारी चीज़ों को मैं आज कवर करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा। तो ये बताना था कि यहाँ पे जो इसकी ब्यूटी है वो और भी शानदार है, यानी कि साउथ सिक्किम की अपनी खुद की एक अनोखा दृश्य है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना शानदार यहाँ का नज़ारा है। तो दोस्तों जैसे तैसे हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू करी, और जगह जगह में आप रुकते हुए जा सकते हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो पेट्रोल आप पहले डला लीजिए, क्योंकि इस यात्रा में आपको कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा जब तक आप नामची नहीं पहुँच जाते। तो दोस्तों ये है नामची का एक मुख्य स्थान जिसको बोला जाता है सेंट्रल पार्क मार्केट। दोस्तों सेंट्रल पार्क मार्केट आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से MG रोड कहलाता है गैंगटॉक का, यानी कि मॉल रोड कहलाता है, इसी तरीके से नामची का ये सेंट्रल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसकी रात की सुंदरता इतनी शानदार हो जाती है कि शायद आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। देखिए यहाँ की जो क्लीनिनेस है, यहाँ का जो नेचर है, वातावरण है, बहुत शानदार है। तो अगर आप रात के टाइम पे 1-2 घंटे भी यहाँ एक्सप्लोर करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो आप यहाँ सेंट्रल पार्क आ सकते हैं, या ये कहना चाहिए कि मॉल रोड आ सकते हैं नामची के। और यदि आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ अगर आप फूड ट्राई करना चाहते हैं, लोकल फूड होते हैं और नेपाली फूड भी यहाँ मिलते हैं, तो अगर आप वो सब ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ मॉल रोड में आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ का स्थान है। चलिए अब हम बात करते हैं कि नामची में हमको स्टे कहाँ करना है और हमको कैसे होटल मिलेंगे, कौन से रेट पे होटल मिलेंगे। दोस्तों नामची के जो यानी कि सेंट्रल पार्क वाला इलाका था, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पे ही ज़्यादा होटल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो छोटा सा सिटी है। नामची एक टाउनशिप है, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचिएगा कि नामची बहुत बड़ा स्थान है, छोटा सा सिटी है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा शहर है। तो यहाँ पे आप 1-1.5 किलोमीटर के दायरे पे आप अपना होटल ले सकते हैं, गाड़ियाँ आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये होटल मैंने बुक किया था, जो कि जहाँ से मैंने पैकेज लिया था। मैंने आपको बताया कि अगर आप पैकेज बुकिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है और आपको स्क्रीन पे भी नंबर दिखा रहा है। तो दोस्तों ये आपका रूम है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। यहाँ की अगर वॉशरूम की बात की जाए तो वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था, ऊपर गीजर भी हमको मिला था, सभी चीज़ें यहाँ पर हमको बहुत ही शानदार से थी। मेरे ख्याल से इस होटल का कॉस्ट 1500-1600 रुपए था दो लोगों के लिए, जो कि ये डिलक्स कैटेगरी का रूम आता है। तो बहुत ही शानदार ये रूम यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, उस रात आप अपने यहाँ स्टे बना लीजिए। अगली सुबह दोस्तों आपको उठना है, अब प्रस्थान करना है नामची चारधाम के लिए। दोस्तों नामची चारधाम के लिए हमने उठा, हम अपनी कार से प्रस्थान किए चारधाम यात्रा करने के लिए। दोस्तों चारधाम मंदिर जाने के लिए आपको लगभग मान के चलिए कि जो नामची शहर था वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ पे आपको पहुँच के सबसे पहले तो यहाँ पे अपना टोकन कटाना है। यहाँ पे पार्किंग चार्ज का भी आपको 20 रुपये लिया जाता है 2-व्हीलर का, 50 रुपये लिया जाता है 4-व्हीलर का। तो यहाँ पहुँच के हमने सबसे पहले एंट्रेंस टिकट कटाई, यानी कि एंट्री फीस यहाँ पे आपको 50 रुपये पर हेड देनी पड़ती है। आप यहाँ अपना अपना टिकट लीजिए, टिकट लेने के पश्चात आप अंदर विजिट कीजिए। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि नामची चारधाम में किस तरीके से कौन कौन से मंदिर को बनाया गया है। मंदिर जाने से पहले दोस्तों आपको जूते चप्पल यहाँ पे निशुल्क मिलते हैं, वो आप उतार के यहाँ लॉकर पे रख दीजिए। यहाँ पे आपको दोस्तों झोले मिलेंगे, उस झोले में आप अपने जूते चप्पल डालिए, और वहाँ पे आपको रैक देखने को मिलेंगे, उस रैक में जहाँ कहीं भी रैक खाली हो वो रैक में रख दीजिए। वहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, अपने नंबर याद कीजिए और आप प्रस्थान कर दीजिए अपने दर्शन के लिए। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, तो कृपया इस सभी चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम प्रस्थान करते हैं अब नामची चारधाम, जो कि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। और चारधाम यानी कि दोस्तों जो मुख्य चारधाम है, उन्हीं चारधाम की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें से आपका आता है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारकापुरी। ये चारधाम के मंदिर है, और हमारे सामने आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि शंकर जी की भी एक बड़ी प्रतिमा है। हम नंदीश्वरा द्वार से प्रवेश करते हैं और हम चलते हैं सबसे पहले धाम की तरफ, यानी कि बद्रीनाथ धाम की तरफ।
दोस्तों बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि मैं बारिश के सीजन में गया हुआ था, तो थोड़ा सा हिसाब से आप चलेगा क्योंकि यहाँ के फ्लोर काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होते हैं। चलिए आइए मैं आपको बद्री विशाल के दर्शन करवाता हूँ। ये यहाँ पे मेरे पीछे बद्रीनाथ जी का मंदिर है और यहाँ पे जो चार धाम को जिस तरीके से दिखाया गया है वो ऐसी प्रस्तुति है कि इसकी मंदिर की जो नक्काशी है सेम टू सेम चार धाम यात्रा जो हमारी होती है, जैसे कि बद्रीनाथ मंदिर हो गया, जगन्नाथ मंदिर हो गया, रामेश्वरम मंदिर हो गया, सभी मंदिर को इस तरीके निर्माण किया गया है कि उसकी एक एक नक्काशी आपको सेम टू सेम ऐसी दिखेगी, यहाँ तक कि उसका प्रवेश द्वार भी सब चीज़ें वैसी दिखती है जैसे कि हमारे ओरिजिनल में बद्रीनाथ मंदिर, रामेश्वरम के मंदिर जो है इस तरीके से। चलिए आइए आगे मैं आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। हर हर महादेव। बद्रीनाथ मंदिर के बाद दोस्तों हम प्रस्थान करते हैं जगन्नाथ धाम की तरफ और ये आप देख सकते हैं जगन्नाथ मंदिर का ये कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी निर्माण किया गया है। चलिए आइए जगन्नाथ जी स्वामी जी के भी हम दर्शन करते हैं और उसके बाद मैं आगे और भी मंदिर आपको इस वीडियो पे दिखाता हूँ। दोस्तों जिस तरीके से जगन्नाथ पुरी में रथ यात्रा निकलती है वो नामची के चार धाम में भी ये रथ यात्रा निकलती है, यानी कि हर चीज़ें वैसे ही यहाँ भी फॉलो की जाती है। दोस्तों ये दर्शन करने के बाद हम बढ़ते हैं रामेश्वरम धाम की तरफ और वहाँ भी हम देखते हैं ये हमारे सामने रामेश्वरम धाम। यहाँ की भी बनावट इसी तरीके से है जैसे कि रामेश्वरम के मंदिर बनाया गया है। रामेश्वरम बेसिकली दोस्तों आपका एक 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग भी कहलाता है और आपका चार धाम में एक धाम भी कहलाता है। तो यहाँ भी आप पहुँच के भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ये रामेश्वरम की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा होगा, तो रामेश्वरम की भी वीडियो आप कंप्लीट दे सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ प्रवेश किए, हर हर महादेव का नाम लेते हुए हम मंदिर में प्रवेश किए और हमारे सामने ये भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग, इनके हम दर्शन किए। दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हमने रामेश्वरम जी के दर्शन कर लिए, यानी कि भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और मंदिर में जैसा मैंने आपको सीक्वेंस बताया, जब नामची चार धाम आएंगे तो जिस तरीके से मैं आपको बताता जा रहा हूँ बस वही आप सीक्वेंस फॉलो करिएगा। और फिलहाल में हम एक बड़ी सी विशाल सी भोलेनाथ की मंदिर है उनके दर्शन करेंगे। हालांकि ये रामेश्वरम जी दर्शन करने के पश्चात हम अगले धाम की तरफ बढ़ते हैं और वो है द्वारकाधीश। चलिए आइए मैं अब वहाँ भी आपको लेके चलता हूँ और उनके भी हम दर्शन करते हैं। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर जो आपका पड़ता है वो गुजरात के द्वारका में पड़ता है और उसकी भी वीडियो मैंने सेपरेटली आपको बना दी है, तो द्वारकाधीश मंदिर आप दर्शन कर सकते हैं अगर आप द्वारका सेपरेटली जाना चाहते हैं। लेकिन आज की वीडियो पे हम आपको नामची के चार धाम के द्वारका धाम के हम दर्शन करने जा रहे हैं। ये रहे हमारे बद्री विशाल, जय श्री कृष्णा का नाम लेते हुए यहाँ मत्थे टेकिए और उनके दर्शन कीजिए। तो फाइनली अभी चार धाम की यात्रा हमने कर ली जो कि मुख्य चार धाम होते हैं, तो हमने चारों धाम की यात्रा कर ली। अब चार धाम यात्रा करने के बाद अब हमारे इसी मतलब जो प्रांगण है, ये जो चार नामची चार धाम है इसी में साईं मंदिर भी है। जैसा कि आपको पता होगा कि नामची में साइड सीनिंग में साईं मंदिर भी इंक्लूड होता है जो कि दूसरा साइड सीनिंग कहलाता है। तो इसी मंदिर कैंपस में साईं मंदिर है, तो चलिए आइए अब हम साईं टेम्पल की तरफ प्रस्थान करते हैं। साईं मंदिर में सबसे पहले यहाँ पे आपको द्वारका माई का मंदिर मिलेगा, जिस तरीके से साईनगर शिरडी में साईं बाबा का द्वारका मंदिर है और यहाँ पे बाबा की धुनी का भी यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पे लोग ये सारी चीज़ें बांधकर अपनी मनोकामनाएं बांध जाते हैं ताकि बाबा जी उस सभी को मनोकामना पूर्ण कर दें। चलिए आइए मैं मंदिर के अंदर भी आपको लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम साईं मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे आप जय साईं राम, जय सद्गुरु, जय सच्चिदानंद का नाम लेते हुए यहाँ पे भी साईं बाबा के भी दर्शन कीजिए। जो नामची के साइड सीनिंग होती है तो दूसरा साइड सीनिंग आपका नामची चार धाम ही होता है जो कि एक ही प्रांगण में आपका ये है। हर हर महादेव। अर्थात सभी चार धाम यात्रा करने के बाद और साईं मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम प्रस्थान करते हैं। ये जो मेरे पीछे भव्य भोलेनाथ की प्रतिमा देख रहे हैं आप, इस प्रतिमा की तो यहाँ पे तो है ही, इनके दर्शन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का भी निर्माण यहाँ पे किया गया। आप देख सकते हैं छोटे मंदिर इधर भी है मेरे साइड और कुछ मंदिर आप देख सकते हैं इस साइड है। इस प्रकार से यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का भी मंदिर है। तो चलिए आइए मैं यहाँ के भी आपको दर्शन करवाता हूँ और उसके बाद अंत में हम महादेव की विशाल मूर्ति भी आपको नज़दीक से जाके दिखाएंगे। हर हर महादेव। दोस्तों यहाँ पे इस मंदिर में आपके टोटल 12 ज्योतिर्लिंग के भी मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें से आपके सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ,
केदारनाथ, रामेश्वरम और श्रीशैलम, मल्लिकार्जुनम, ज्योतिर्लिंग, हर मंदिर यहाँ पे आपको, यानी कि टोटल 12 मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और हर एक मंदिर के सामने यहाँ पे आपको सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है, जैसे कि सोमनाथ सीरियल नंबर 1 होता है, यानी कि पहला ज्योतिर्लिंग होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे दर्शन करना है और उसके पश्चात आपको बड़े मूर्ति की, हमको शंकर जी के दर्शन करना है। तो आप ये 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर सकते हैं। कुल मिला के इस नामची चारधाम में 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर, चार धाम के मंदिर और साथ ही साथ आपका एक साई मंदिर और एक शिव जी की बड़ी सी प्रतिमा, जहाँ पे पूरे श्लोक लिखे हुए हैं संस्कृत में, ये सब चीज़ें आपको इस महादेव मंदिर के नीचे देखने को मिलेगी। तो ये सारे दर्शन करने के पश्चात अब हमको इन महादेव के दर्शन करना है और ये पूरा एक नामची चार धाम का यहाँ से बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। अगर आप विंटर में आते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है, आप आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम मंदिर से प्रवेश लेते हैं। हालांकि फोटो खींचना मना है, लेकिन हमने यहाँ पे स्पेशल परमिट लेके हम यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं। दोस्तों, मंदिर प्रांगण में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ी सी स्टैचू देखने को मिलेगी, खड़े अवतार में, यानी कि शंकर जी की एक हॉली स्टैचू देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही विशाल मूर्ति है। और यहाँ पे आप इनके जो दीवारों पर आप देखेंगे तो यहाँ पे शंकर जी की पूरी कहानी यहाँ लिखी हुई है, साथ ही साथ शंकर जी के जितने भी 108 नाम होते हैं वो नाम भी यहाँ वर्णन किया गया है। यहाँ की चित्रकला बहुत ही शानदार है, तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको बहुत शानदार चीज़ें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैना की परीक्षा, जो कि भगवान शिव ने तट के रूप में लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिलेगी, यानी कि टोटल यहाँ पे शंकर जी से जुड़ी हर कहानियाँ, हर प्राचीन चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो आप नामची चारधाम आके ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम नामची को पार्ट 1 नाम देते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों आपको पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगा कि नामची के एक और दर्शनीय स्थल है, जिसको बोला जाता है संदूकची दर्शनीय स्थल, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिस तरीके से हम मानते हैं, इसी तरीके से बौद्ध में भी ब्रह्मा विष्णु महेश माना जाता है, जिसको लॉर्ड बुद्धा कहा जाता है। तो चलिए, अगली वीडियो में मैं आपको वहां पे पंडित के द्वारा मिलकर क्या क्या चीज़ें बोली जाती है, कैसे वहां चीज़ें हैं, खुरा को क्यों घुमाया जाता है, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। आज की वीडियो में दोस्तों नामची चारधाम इतना ही। पैकेज अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां नंबर मिल जाएगा, जाके कॉल करके नामची चारधाम हो, दार्जिलिंग हो, गैंगटॉक हो, कोई भी यात्रा हो सिक्किम दार्जिलिंग से रिलेटेड, आप फोन करके वहां अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। आज की वीडियो दोस्तों फिलहाल इतना ही पार्ट 1 पे। अगली वीडियो में आपको पार्ट 2 जल्दी लाऊंगा, 1-2 दिन के अंदर। शायद अगर आप 1-2 दिन बाद देख रहे होंगे वीडियो, तो आपको मेरे चैनल पे भी आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। सुझाव हो, कोई कमेंट करना हो या कोई प्रश्न हो, तो इंस्टाग्राम ID यात्रावास में विजिट करके अपने प्रश्न प्रकट कीजिए, मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। हर हर महादेव। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।